सामाजिक सेवा के क्षेत्र में श्रुति फाउंडेशन ने महिलाओं बच्चों सहित दिव्यांग जनों की सेवा के साथ साथ रोजगार देने की पहल कर आगे बढ़ रही है, जिसके चलते आगामी दिनों दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल में स्कूली छात्रों को शू वितरित किया जा रहा है। श्रुति फाउंडेशन सामाजिक सेवा के क्षेत्र में लगभग 4 वर्षों से कार्य कर रही है, साथ ही महिलाओं बच्चों के साथ ही दिव्यांग जनों की सेवा में हमेशा ही अग्रसर रहकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। इसी कड़ी में विगत दिनों श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिमा सिंह के नेतृत्व में सरगुजा संभाग के प्रतापपुर ब्लॉक में सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल बैग वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य शासन के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। इसके साथ ही अपने अगले कार्यक्रम को लेकर आगामी दिनों दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल के मिडिल क्लास के लगभग 150 बच्चों को शू व मोजा वितरित किए जाने के बारे में न्यूज़ टीम के समक्ष फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 4 वर्षों से श्रुति फाउंडेशन सभी तरह के सामाजिक कार्य कर रही है, जिसमें कुछ मुख्य कार्य हैं जो श्रुति फाउंडेशन ज़्यादा उससे कर रही है, जैसे महिला रोजगार, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है, जिसके अंतर्गत हम महिलाओं द्वारा बनाए हुए सामानों को प्रमोट करते हैं और महिलाओं से परचेस करके दूसरी महिलाओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि वो अपने एक आमदनी का स्रोत बना सके। उसी तरह हम लोग दिव्यांगों के लिए भी काम करते हैं, जिसमें हम दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लेग और हैंड लगवाते हैं, और कई दिव्यांग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ से उनको किस तरह से आगे कार्य करना है, तो हम उसको उसकी जानकारी भी देते हैं कि समाज कल्याण विभाग से इस तरह के आपके सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं। इस प्रकार भी हम जन सहयोग करते हैं। हम बच्चों के लिए भी काम करते हैं, और जिसमें हम स्कूलों में कभी कभी कॉपी पेन वितरण करते हैं बच्चों को। हर साल संस्था की तरफ से किसी भी एक सरकारी स्कूल में बच्चों को हम चरण पादुका का वितरण करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ तब समझ आई जब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी, तो उस वक्त मैं वहाँ से सरकारी स्कूल के बच्चों को भी जाते हुए देखती थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि आज इन बच्चों के पास ड्रेस तो है लेकिन इन बच्चों के पास शूज़ नहीं है, और कहीं ना कहीं जैसा मैं सोच रही थी वैसा ही वो बच्चे भी हमारे बच्चों को देखकर सोचते थे। तभी मेरे अंदर ये ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी संस्था के माध्यम से सबके लिए तो सब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन किसी ना किसी के लिए कुछ तो ज़रूर करेंगे। इसी सरगुजा के प्रतापपुर में खोला, जहाँ पर हमने पहला कार्यक्रम करवाया, जिसमें हमने स्कूल के बच्चों को 200 स्कूल बैग वितरण किए, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रेम साई सी टेकाम जी थे, और उन्होंने काफ़ी सराहना की हमारी संस्था की और उन्होंने शुभकामनाएं दी कि आप निरंतर अपने कार्य ऐसे करते रहें। इसी कड़ी में आगामी नए साल में हम श्रुति फाउंडेशन की तरफ से दुर्ग के इंदिरा मार्केट में महात्मा गांधी स्कूल में मिडिल क्लास के 150-200 बच्चों को चरण पादुका का वितरण करने जा रहे हैं, और आने वाले समय में हम और कई तरह की कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम होते जाएंगे उसके पहले हम इसकी सूचना जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी संस्था को सपोर्ट करिए और अपना साथ और सहयोग प्रदान करिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।